नमस्ते प्रणाम गुड मॉर्निंग हर हर महादेव। भगवान सबको ऐसे ही ऊर्जवान बनाए रखे। आज लाइव आने का कारण था एक मेरा कि कल एक सिनेमा रिलीज था मेरा लाडला टू, और ठीक है थोड़ा सा है परेशान दिमाग, बट आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग की दुआएं हैं मेरे पास। बस वर्क कर रहा हूँ क्योंकि अब क्योंकि सिनेमा लंदन में किया था हम लोगों ने, अभी भी के बैनर तले, यसी फिल्म के बैनर तले मैं और मेघा जी आपके हिमांशु सर डायरेक्टर थे उसके, तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद उसको देते रहिए। और एक और फरिश्ते जो कि आज 6 बजे शाम को फिल्मची चैनल पर रिलीज हो रही है, और मेरी इतनी सारी फिल्मों में से एक बेहद खूबसूरत वो फिल्म है जो कि फिल्मची चैनल पर रिलीज हो रही है, तो 6 बजे शाम को, तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद स्नेह जो भी खेसारी को देते हैं आप भर भर के दीजिए। मैं तो हूँ नहीं, मैं तो शूटिंग पे हूँ, पता नहीं मैं देख पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मेरे दिल के करीब फिल्म है वो फरिश्ते। लाल बाबू पंडित जी ने बहुत प्यारा सा उसको, उसमें भी मेघा जी हैं तो हम सब ने मिलकर एक बेहतर काम किया है। तो बस आप लोग आज अपने टीवी को खोल के बैठिएगा और बैठकर फिल्मची चैनल पे एंजॉय करिए। आप अपने भाई को अपने बेटा को, ताकि एक अच्छा संदेश जाए, और देखकर जरूर आप लोग बताइएगा दुनिया को कि कैसी फिल्म है, आपने कितना एंजॉय किया। तो शाम को 6 बजे प्लीज आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद फिल्मची चैनल पर फरिश्ते को दीजिएगा। आज ही 22 तारीख है ना, 23 है, 23 तारीख को, हाँ आज 23 तारीख है, तो 23 सितंबर 2023। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद भर भर के दीजिए। अब गाने रिलीज नहीं हो रही, कोई बात नहीं, फिल्म है ना, टेंशन नहीं लेने का आप लोग, क्योंकि मैं भी बहुत टेंशन ले लिया था। क्या जिंदगी में हमने पाया है और क्या खोया है, अब खोने के लिए मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए भी बहुत कुछ है जिंदगी में। हमें आप सबको खोना नहीं चाहता, बस मेरी जिंदगी में पैसे दौलत ये कोई मायने किसी इंसान के लिए मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिसके पास आप जैसे इतने सारे जनता है जिन्होंने मुझे संवारा है, मेरे पास था ही क्या, मैंने आप सबको कमाया है, मुझे वही, मैं पैसे और दौलत को अमीर नहीं बोलता, मेरे लिए पैसे दौलत वाला आदमी अमीर नहीं होता, अमीर वो होता है जिसके पास इतने सारे हाथ हो आशीर्वाद देने के लिए, इतने सारे मोहब्बत हो प्यार करने के लिए, इतने सारे लोग हो जो कि अपने बेटा से अपने भाई से इतना प्यार करते हैं। तो मैं आप सबके गोद में खेलता हूं, तो मुझे अब एक चीजें लगी है कि नहीं यार, जो होगा वो तो होना ही है, कृष्ण की तरह बर्दाश्त करना सीखिए और राम की तरह, अब गद्दी जिसको गद्दी मिलनी थी वो उसको बन मिल गई, उसको जंगल जाना पड़ा 14 बरस के लिए, लेकिन वो 14 बरस बाद जब लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम काल आया। तो जिंदगी के ये दस्तूर है, आप जब भी कुछ बड़ा चीज आना होता है ना तो प्रॉब्लम आपको आती है, ताकि आप इस प्रॉब्लम से लड़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो जिंदगी है, और जिंदगी आसान होती नहीं है मुझे, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं था तो आप लोगों ने प्यार करके मुझे कुछ तो बनाया, कुछ तो खास है खेसारी के अंदर जो कि दुनिया को प्यार मिलती है, इसमें दुश्मन भी मिलते हैं, तो कोई भी इंसान लड़ता उसी से है जो लड़ने के लायक होता है, सबसे कोई थोड़ी लड़ता है, तो ठीक है ना, लड़ाई भी तो एक जिंदगी है, जिंदगी का पार्ट ही है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जिंदगी में बस जो चीजें आ रही है उसको अहमियत दीजिए और प्यार और आशीर्वाद दीजिए, है होता है जिंदगी है जो देखिए इस धरती पे एक चीज तो है, जो दर्द जितना होता है हर चीज का दवा है, अगर हाथ कटता है तो उसके लिए बैंडेज है, अगर मान के चलिए किडनी फेल हो जाता है इंसानों का तो उसके लिए भाई यहां ट्रांसप्लांट नहीं होता है, उसके लिए बाहर विदेश जाना पड़ता है, तो हर इस धरती पे हर रोग का डॉक्टर भी है, हर रोग का इलाज भी है, तो जिंदगी में हर चीज का एक इलाज होता है, हर चीज का डॉक्टर होता है, हर चीज की
देखिए आज परेशान है, दिन है तो रात होना है, रात है तो दिन होना है, सूर्य जब जाता है तो चांद आता है, तो जिंदगी है, ये चीजें चलती रहेगी। अब मुझे लग गया है कि नहीं, अब घबराऊंगा नहीं, घबरा के चीजें होने वाली नहीं है, जो होना होगा वो होगा। तो मुझे जब पता ही है कि जो होना होगा वो होगा, तो फिर उसके लिए रोना क्यों है? नहीं नहीं रोना, हम लोग अब अच्छे बेहतर फिल्म करेंगे, काम करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग इंजॉय करेंगे, अपने जीवन को इंजॉय करेंगे। जो मिला है वो बहुत है, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, जो मिला है वो पर्याप्त है। जो मिलेगा उसके लिए सोचना नहीं है कि क्या हो जाता, ये हो जाता, ऐसे होता तो वो हो जाता, किसके लिए? मैं नहीं चाहता कि अब आप सबको दुखी करूं मेरे दुख से। मैं मुझे पता है कि आप, मैं परेशान रहता हूं तो आप लोग परेशान रहते हैं क्योंकि आप लोग हमें प्यार करते हैं, बट मुझे लगता है कि यार परेशान होके भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं तो फिर क्यों परेशान होने का। तो जब परेशान होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा आदमी, तो परेशान होकर क्या कर लूंगा मैं? इसलिए जिंदगी है इसको जीने का, जिस तरह मैं जी रहा हूं आप लोग जी, और आप अपना आशीर्वाद खाली देते रहिए, बस अपना प्यार जिस तरह देते थे उसी तरह देते रहिए। तो आज फिल्म चैनल पर फरिश्ते मेरी रिलीज हो रही है टीवी पे, आप सब घर में देख सकते हैं, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और सिनेमा हॉल में लाडला टू, जो कि एक प्यारी फिल्म है, लंदन में बनी है, तो थोड़ा लंदन में कल्चर का हम लोगों का होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, लेकिन हम उसी में कोशिश करते हैं कि एक बेहतर सिनेमा बनाए। और अभी भैया ने बहुत प्यार से उसको बनाया है, हमारे प्रिमांशु भैया ने, जो कि मेरे जीवन के पहले गुरु हैं सिनेमा लाइन के, उन्होंने मुझे और मेघा जी को डायरेक्ट किया है, पूरी टीम को डायरेक्ट किया उन्होंने। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हॉल में भी जाकर दीजिए, और शाम को 6 बजे फरिश्ते रिलीज हो रही है, इतना देख लो ना पगले, इतना देखने का कि जिंदगी में टीवी ब्लास्ट हो जाए, इतना देखो कि टीवी ब्लास्ट हो। अरे यार इतना कुछ रेटिंग होता है क्या? ऐसे जीने का, जिंदगी है, जिंदगी इसी का नाम है। और सुख बहुत दिन के लिए होती है, दुख बहुत कम दिन के लिए होती है ये जिंदगी में। आप हमेशा देखिए, कोई भी हम सलामत 10 महीना रहते हैं ना, तो दर्द हमें कभी कभी मिलती है, बुखार रोज थोड़ी आवेला है, बुखार हमेशा ना आवे, कबो दर्द हुई तो कबो बुखार हुई तो कबो आंख के प्रॉब्लम हुई तो कबो नाक के प्रॉब्लम हुई, कबो कबो तो ऐसा हो जाला जब बल तोड़ हो जाला, अब बल तोड़ जान बन बाबू बड़ा दर्द देला जीवन में। जब जीवन में इस शरीर में हर महीना कुछ ना कुछ रोग होता है, तो जिंदगी तो ऐसे रास्ते पे चलती है जहां पे हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होना है, और जिंदगी का नाम ही प्रॉब्लम है, और जब तक प्रॉब्लम नहीं है वो जिंदगी नहीं है। तो जिंदगी आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। और प्रॉब्लम को फेस करके आदमी जिंदा रह सकता है, और प्रॉब्लम को से लड़के आदमी बड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम से हार के आदमी बड़ा नहीं हो सकता। तो आप देखिए, आप सबने ताकत दिया है कि मुझे, मेरे पास 2 रुपये का औकात नहीं था, आपने बहुत सारा औकात बना दिया, अपनी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए, गाड़ी भी दे दी आप सबने, हर चीज तो आपने दे दिया, रहने के लिए घर नहीं था, आज घर में ही रहता हूँ, रोड पे रहता नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और अपने बेटा को इतना बड़ा किया। मैं था 15-20 दिन से डिस्टर्ब था, बट मुझे लगा जी यार मैं डिस्टर्ब होके भी, परेशान होके भी मुझे मैं कुछ कर तो पा नहीं रहा हूं, तो फिर इसमें परेशान क्यों होने का? जो है उसी को एंजॉय करने का। और कौन सा मुझे यहाँ अनिल अंबानी बन के जाना है धरती पे? मुझे पता है कि जो मैं कमाऊंगा वो तो यहीं रहने वाला है, तो मैं जिनको कमाया हो उनको क्यों खोने का? मेरी कमाई संपत्ति नहीं, मेरी कमाई आप सब है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी असली पहचान तब होती है जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाते हो, नहीं तो दुनिया में जब तक हो तब तक तो चीजें तो आएगी ना। कौन चाहेगा कि आप आगे बढ़ जाओ? कौन चाहेगा कि आप सबसे ऊपर हो जाओ? तो ठीक है, मेरी छलांग तो कुछ ज्यादा ऊपर हो गई थी, थोड़ा सा डाउन लोगों ने आप लोग कहे लगे कि यार ये विवाद कर रहा था, नहीं विवाद की बात नहीं है, जो चीजें ऊंचा होती है, और सूर्य जब चमकता है ना तो उसको बादल घेरने की कोशिश करता है, तो ठीक है, तभी तो समझ में आता है सूर्य को भी कि नहीं यार हमें चमकना है। क्या तो चमकना छोड़ देता है? नहीं, जिंदगी में हम हीरा हैं और आप सबके उंगलियों में है इसलिए हमारी कीमत है, आप सबके हाथों में है इसलिए हमारी कीमत है, नहीं तो हर दिन एक हीरा नया आता है और हर दिन वो चमक पाता है कि नहीं, हर आदमी चमकने के लिए मेहनत कर ही रहा है।
बट खेसारी को आप लोगों ने चमकाया है, कोयले से निकाल कर आप लोगों ने मुझे हीरा बना दिया है। तो जिंदगी है, मुझे लगता है कि आप लोग परेशान हैं मुझे लेकर, आप लोग का प्यार इतना ज्यादा है मेरे प्रति कि कुछ भी हो जाता है मुझे तो आप लोग लगता है कि वो दर्द सिर्फ खेसारी का नहीं हमारा है, आप लोग हमारे दर्द को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो अब मैं दुखी नहीं रहूंगा, हटाइए, जो होना होगा वो होगा, ये मुझे भी पता है कि जो होना है वो होगा। तो जब पता है कि जो होना है वो होगा तो उसके लिए रोना क्यों है? नहीं रोना, अब जिंदगी को एंजॉय करेंगे हम लोग, अच्छी अच्छी फिल्में करेंगे, अच्छे अच्छे गाने करेंगे, अच्छे अच्छे स्टैंड करेंगे, बेहतर जिंदगी को लेकर चलेंगे, क्या दिक्कत है? उसमें जितना मिल रहा है वो बहुत काफी है, अब हम लोग उसी को एंजॉय करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? वहां भी आपका भाई यही है, अब जहां जाइएगा वहां खेसारी लाल यादव, एक दो जगह ना रहने से तो हर जगह हम ही थोड़ी रहेंगे, सबको मौका मिलना चाहिए, और जब तक शायद हम रहेंगे तो मौका नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, एक जगह हूं ना, चलता रहेगा जीवन एंजॉय करने का। तो आप लोग फरिश्ते को देखिए 6 बजे फिल्मची चैनल पे, और हमारा लाडला 2 जो हॉल में लगा है, तो एंजॉय करने का। लव यू, थैंक यू।